जाना है हैदराबाद और इधर ट्रैफिक इतनी लगी है। अभी मैं आया हूँ पनवेल, तो पनवेल जाके फिर से प्रथमेश के घर जाना है, प्रथमेश के घर जाके फिर लोनावला जाना है। लोनावला में, लोनावला से हमारी ट्रेन है और अभी इधर इतना ट्रैफिक लगा है, इतना टेंशन आ गया, अभी क्या करूँ। और ये मेरा भाई हंस रहा है मेरे ऊपर, मेरे को आ रहा है टेंशन। ठीक है, देखते हैं, भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर जाएंगे। फाइनली गाइज हम स्टेशन पे आ चुके हैं और हमें छोड़ने के लिए मेरा भाई आया था। सो बाय बाय, निकलते हैं, मिलते हैं 5 दिन के बाद। गुड लक। फाइनली हम पनवेल पहुंच चुके हैं और पता नहीं, इसको अभी तक पता नहीं है कि हम ट्रेन से जाने वाले या फ्लाइट से जाने वाले। वो तो यही सोच रहा है कि हम कैसे जाने वाले और हम पनवेल स्टेशन क्यों आए। मैंने उसको बोला था अपना ट्रेन लोनावला में, लेकिन उसको अभी तक पता नहीं है कि हम लोग फ्लाइट से जाने वाले। तो अभी ट्रेन में जाके उसको बताएंगे कि हम लोग किधर से जाने वाले प्रथमेश, तुला माहिती आहे का आपण इथे काय आलोय? पण आपली ट्रेन लोणावळ्यावर ना होती ना, समजेल समजेल समजेल। आता आपण मुंबईला चाललोय, आपली ट्रेन मुंबईवर नाही, लोणावळ्यावर ना होती, ते कॅन्सल झालंय। जाऊयात आपण चालू। तो गाइस फाइनली हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और अभी बजे है 3:06 हुआ है। सो एयरपोर्ट पे जाएंगे, चेक इन करेंगे और उसके बाद फ्लाइट में बैठेंगे, देखते हैं। फाइनली हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। नमस्कार। तो अभी हमारी 6:15 की फ्लाइट है, सो अभी बहुत टाइम है, लेकिन एयरपोर्ट पे 2 घंटा जल्दी आना चाहिए, इसलिए हम लोग 2 घंटा जल्दी आ चुके हैं। प्रथमेश भी अपने साथ है, अभी देखते हैं, चेक इन करते हैं। फिर फाइनली बोर्डिंग पास मिल चुके हैं, सो अभी हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। सो प्रथमेश कैसा लग रहा है? मस्त है, एकदम कड़क। तो गाइस चलते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। तो गाइस फाइनली हमारी बोर्डिंग भी हो चुकी है, सो अभी वेटिंग करना है। और 6:15 की फ्लाइट है, बहुत बहुत एक्साइटेड है, फर्स्ट फ्लाइट है। सो आपको भी पता होगा फर्स्ट फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस होता है। प्रथमेश को तो सरप्राइज ही था, उसको तो अभी इधर आके पता चला है, नहीं बाहर ही पता चला है, क्योंकि हम एयरपोर्ट पर आ रहे थे। सो हैदराबाद जाके बहुत मज़ा करेंगे। और जो हमारा दूल्हा है, दूल्हे राजा पुष्पित, उसको तो पता भी नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। कल रात को जो उसको पकाया है, उसको तो पता भी नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। उसको प्रथमेश ने बोला कि मैं नहीं आ रहा हूँ। सो अभी देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है जब मैं उधर उसके सामने अचानक जाऊँगा। तो मिलते हैं।
गाइस ये जुबैर भाई, सो इन्होंने यूएस से फ़ोन मंगाया है, ये लिमिटेड एडिशन है और आपको इसका एप्पल का लोगो ऐसे नहीं दिख रहा होगा, अगर इसको क्रॉस किया ना तो दिखेगा, ये देखो अगर इसको क्रॉस किया तभी दिखेगा। तो अभी तक इंडिया में ये कलर आया ही नहीं है, जुबैर भाई के पास पहली बार आया है। हेलो जुबैर भाई, थैंक यू। सोएंगे रात को करेंगे उसके एंगेजमेंट, धमाल मचेंगे।
फाइनली हैदराबाद आ चुके हैं। अभी टैक्सी करके जो हमारा लोकेशन है वहाँ पे जाएंगे और बाद में फ्रेश वगैरह होके फिर शाम को वेडिंग में जाएंगे, सॉरी एंगेजमेंट में जाएंगे। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। 4 दिन तक हैदराबाद में फुल मस्ती धमाल होगा, मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए 4 दिन का हैदराबाद का ब्लॉग। So, bye-bye guys. Take care.